आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे UPTET में पूछे गए GS के क्वेश्चंस और जानेंगे उनका आंसर क्या है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बुद्ध चरित को किसने लिखा? इसका आंसर बाण भट्ट होगा। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम क्या है? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन है। नाथ पंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक यानी संस्थापक कौन हैं? गोरखनाथ हैं। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2018 में भारत की रैंकिंग क्या थी? 133वीं थी। कर्नाटक का लोक नृत्य क्या है? यक्षगान है। कांचीपुरम में कैलाशनाथ शिव मंदिर, जिसकी भीतर की दीवारों में मूर्तियां बनाई गई हैं, इसे किसने बनवाया था? इसका आंसर होगा नरसिंह वर्मन सेकेंड। मिर्जापुर किसके कारण फेमस है? तो इसका आंसर होगा कजरी के कारण फेमस है। कजरी एक संगीत है। भारत के किस राज्य में 100वां एयरपोर्ट स्थित किया गया है यानी बनाया गया है? इसका आंसर सिक्किम होगा। केंद्रीय गिलास एवं सिरेमिक अनुसंधान कहाँ है? खुर्जा में है। 2018 में रमन मैगसेसे अवार्ड किसे दिया गया? भारत वाटवानी को दिया गया। 2017 में भारत भारती पुरस्कार किसे दिया गया? भोपाल के रमेश चंद्र शाह को दिया गया। 2018 में किस फील्ड में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया? साहित्य में नहीं दिया गया। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स, पीस और साहित्य में दिया जाता है। US ओपन टेनिस टूर्नामेंट वुमेन्स सिंगल विनर कौन है? नाओमी ओसाका। 65th नेशनल फिल्म अवार्ड बेस्ट फीचर फिल्म के लिए किसको दिया गया? विलेज रॉकस्टार को दिया गया। 2018 दिसंबर में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ स्थापित किया गया, कहाँ स्थित किया गया ये सम्मेलन? तो इसका आंसर होगा कटोविस। पीएम मोदी ने रामायण सर्किट की शुरुआत किस देश से की? तो इसका आंसर नेपाल होगा। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। कुंभ मेले को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर यानी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में कब रखा गया? तो 2017 में रखा गया। कथकली किस राज्य का नृत्य है? केरल का है। सौरभ चौधरी किस खेल से संबंधित हैं? शूटिंग से हैं यानी निशानाबाजी से हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर है। भारत की पहली इंजन रहित ट्रेन कौन सी है? ट्रेन 18 है। मार्च 2018 तक भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है? प्रत्युष है। बेस्ट फिल्म अवार्ड फॉर ऑस्कर 2018 किसे दिया गया? द शेप ऑफ वाटर को दिया गया। दोस्तों, इस समय वर्ल्ड में सबसे जो फास्ट सुपर कंप्यूटर है वो समिट है। मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत की रैंकिंग क्या है? 130वीं रैंक भारत को मिली थी। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बुक किसने लिखी? संजय बारू द्वारा लिखी गई, जिसके ऊपर मूवी भी बन गई है जो रिलीज होने वाली है। एग्जाम वॉरियर बुक किसने लिखी? मोदी जी ने लिखी। और इसका मेन उद्देश्य ये था कि बच्चों को एग्जाम से डर ना लगे, उसके लिए इसमें कुछ बातें बताई गई थी। मिल्कमैन उपन्यास की लेखिका कौन है? तो इसका आंसर होगा एना बर्न्स। दोस्तों, ये थे क्वेश्चंस जो पूछे गए थे UPTET में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।